कुरुक्षेत्र मारकंडा नदी उफान पर है। ये उफान तटीय क्षेत्रों में कहर बरपा रहा है। कहर भी ऐसा कि खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो रही है तो घरों की दहलीज को पानी पार कर गया। मारकंडा में बढ़ रहे जलस्तर से सिंचाई विभाग पूरी तरह बेखबर है। हैरानी की बात तो ये है कि सिंचाई विभाग की ओर से कागजों में कई जगह मारकंडा की पटरी की रिपेयर करने के साथ बांध बनाने का दावा किया जा रहा है, मगर हकीकत में ना तो बांध बना है और ना ही खस्ताहाल पटरी की सुध ली गई है। यही नहीं, सिंचाई विभाग दावा कर रहा है कि शरारती तत्वों ने बांध के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन पटरी पर बांध के नाम रखे गए कट्टों की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि छेड़छाड़ की गई है या फिर कागजों में रिपेयर हुई है। मानसून सीजन में मारकंडा का जलस्तर बढ़ते ही तटीय क्षेत्रों के गाँव में पानी कहर बरपाता है। हर वर्ष सैकड़ों एकड़ फसल जल भराव से खराब हो जाती है। सिंचाई विभाग की लापरवाही भी जल भराव में काफी हद तक कारगर साबित होती है। हर साल मानसून से पहले मारकंडा में खस्ताहाल पटरी की रिपेयर व बांध बनाने के लिए लाखों रुपए की राशि जारी की है। असल में ये राशि मारकंडा की पटरी के रिपेयर पर खर्च होने की बजाय कागजों में ही बांध के नाम पर सिंचाई विभाग डकार जाता है। मोहनपुर व मदनपुर के बीच ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग की लापरवाही को उजागर किया। ग्रामीण गुरविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि वर्ष 2010 के बाद आज तक पटरी की रिपेयर की नहीं हुई है, जबकि कागजों में हर वर्ष लाखों रुपए की राशि खर्च की गई है। यही नहीं, जब मारकंडा में पानी आता है तभी सिंचाई विभाग जागता है। मोहनपुर व मदनपुर के बीच में बांध बनाने को लेकर ग्रामीण कई बार सिंचाई विभाग को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग ग्रामीणों की समस्या पर संज्ञान नहीं ले रहा। कागजों में बांध की ऊंचाई 8 फीट और चौड़ाई 40 फीट है, लेकिन इसे अभी तक पक्का नहीं किया गया है। जबकि झांसा एसडीओ दावा कर रहे हैं कि बांध की रिपेयर की जा चुकी है। ग्रामीणों ने मांग की कि कागजों में बांध की जो ऊंचाई व चौड़ाई दर्शाई गई है उसके अनुसार रिपेयर की जाए। सिंचाई विभाग के एक्साइन गुरविंदर सिंह ने दावा किया कि कुछ शरारती तत्वों ने बांध के साथ छेड़छाड़ की है। मारकंडा के उफान को देखते हुए सिंचाई विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बांध के टूटने की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग ने तुरंत काम शुरू कर दिया था और उसे बंद कर दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। एक्साइन ने यह भी कहा है कि कई गांव में बांध को लेकर मतभेद है। इसके बाद सहमति बनी कि बांध से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके बाद भी बांध के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसे तुरंत ही बंद कर दिया गया। गांव की आबादी पूरी तरह से सुरक्षित है। शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। तो सरकार के द्वारा लगाए जा चुके हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ शरारती तत्व होते हैं तो वो कई बार बंद से छेड़छाड़ करते हैं। हालांकि मेरे जई साहब एसडीओ साहब अब कल 2-3 दिन से लगातार जब से मारकंडा नदी उफान पे चल रही है तब से दिन रात की इस पे वाच एंड वार्ड पे हैं। कल रात भी हमारा स्टाफ यहीं पे था। लगभग 3-3.30 बजे तक की लाइव रिपोर्टिंग मेरे पे भी आती रही है कि सब ठीक है, और लगभग 4 बजे के बाद यहाँ से हमारे जो बेलदार थे उन्होंने हमें सूचना भेजी कि यहाँ पे कुछ शरारत की गई है और हो सकता है कि बांध का डिस्टर्ब किया गया। तो उसके बाद जैसी डिस्टर्बेंस हो गई थी तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता, लेकिन हमारे स्टाफ ने यहाँ त्वरित कार्रवाई की और लगभग 9 बजे हमने इसको पूरी तरह से प्लग कर दिया था। तो जो बाकी अभी चला हुआ आपके प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया? आसपास के गांव सभी अलर्ट पे रहते ही हैं जी, क्योंकि पानी जैसे ही उफान पे आता है लोग सबको सूचना रहती है कि पानी अभी उफान पे है। और कल भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के गांव में आपस में मतभेद हो रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने आपस में कर लिया था कि हाँ जी कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, लेकिन रात को किसी ने फिर भी शरारत कर दी। लेकिन यहाँ अभी काबू पा लिया गया, किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं है। पानी सिर्फ कुछ ही खेतों में अभी बढ़ा है, गाँव की आबादी वगैरह सब सुरक्षित है। और पूरा नाम क्या आपका सर? गुरविंदर सिंह। मैटर है, आप क्या बताओगे इसके बारे में? ये सर हर साल यहाँ से बंद भाव जी 2010 का जी, हर साल यहाँ से पानी निकलता है जी, आगे जान माल का और घरों में पानी घुस जाता है सारे गांव में जी मोहनपुर में। और इसकी 2010 के आज तक कोई रिपेयर नहीं हुई है, वैसे के वैसे चलता है। जब पानी आ जाता है तब थोड़ा महकमा जाग जाता है जी, उसके आगे पीछे कोई बात नहीं, कोई खबर नहीं लेता जी यहाँ की। ये भाई आपको बता रहे हैं जी 2010 के बहाव ये बंद पानी आया था तब भी बहुत ज़्यादा, उसके बाद इसकी कोई रिपेयर नहीं हुई है। कागजों में जितनी बार मर्जी हो चुकी हो जी, उसके बारे में आपने कंप्लेंट भी तो कर की है। हाँ जी सर जी। तो विनोद क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि रिपेयर हो रखी है इसकी बंद की। तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? अब कार्रवाई की जितनी इसकी कागजों में इसकी बंद की ऊंचाई है जी 8 फुट है कुछ, और इसकी चौड़ाई भी 40-44 फुट है जी, उसके अनुसार इसकी रिपेयर होनी चाहिए जी। तो विनोद जो है क्या कहते हैं?
वो कहते हैं जी करवा देंगे, लेकिन जब पानी निकल जाता है उसके बाद कोई कोई खबर नहीं लेता जी, कोई कुछ नहीं पूछता जी। कितनी फसलें खराब होती हैं? सभी कुछ लगभग 70-80 एकड़ खराब हो जाता है जी। कई गांव तक जाता है जी, आगे निकल के आगे सड़क का लेवल ऊंचा है तो पानी रुक जाता है, घरों में भी घुस जाता है पानी। तो जो SDO विनोद कुमार, SDO हैं जी झांसा विनोद कुमार, उनके पास कई बार हमने कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन अभी तो यहाँ कोई रिपेयर नहीं हुई। बाकी कागजों का उनके अनुसार कोई क्या रिपेयर हो रही है कागजों में वो हमें नहीं पता जी। तो क्या कहते हैं? हम चाहते हैं, वो कहते हैं कि रिपेयर करवा देंगे, अब जैसे पानी आता है तब कहते हैं। हाँ जी कागजों में हो रही है जी, अब तो पानी आ चुका है। हाँ जी रिपेयर हो रही है। अब क्या उनको बोला, हमने बार बार कंप्लेंट की है जी, अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ, रिपेयर नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि रिपेयर करवा देंगे। अब आप आगे की क्या रोई क्या चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि बंद की जो कागजों में है जिस इसकी ऊंचाई और चढ़ाई उसके अनुसार इसकी रिपेयर की जाए जी, और हमें जान माल के नुकसान से बचाया जाए। क्या नाम है? गुरविंदर सिंह।